और हाँ, एक बात और याद रखना, लेन कीप असिस्ट ऑटोनोमस ड्राइविंग नहीं है, लेन कीप असिस्ट सिर्फ आपको हेल्प करता है आपकी गाड़ी को लेन में रखने के लिए। लेन कीप असिस्ट और लेन डिपार्चर वार्निंग, अरे हाँ हाँ, आप ये कह रहे होगे ना कि यार ये तो है मेरी गाड़ी में, मुझे पता है, बट इसकी डिटेल्स आपको नहीं पता है। तो चलिए आज बात करेंगे इस वीडियो में इसकी डिटेल्स के बारे में कि कैसे ये एक्टिवेट होता है, किस सिंबल का मतलब क्या होता है और किस तरह की लेन पे ये एक्चुअली में काम करता है। और हाँ, उससे पहले एक बार आ जाते हैं प्री रिक्विजाइट के ऊपर कि आपको क्या क्या चीज़ें मैंडेटरी होनी चाहिए लेन डिपार्चर वार्निंग और लेन कीप असिस्ट के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे लेन कीप असिस्ट के लिए, तो आप यहाँ पे जो कैमरा देख रहे हो ये हमेशा क्लीन होना चाहिए, यहाँ पे गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत क्लीन है, ये बेसिक प्री रिक्विजिट है लेन कीप असिस्ट के लिए। और यहाँ पे जो रडार है ये भी क्लीन होना चाहिए, इस पर भी धूल मिट्टी नहीं होनी चाहिए, वरना इसकी एक्यूरेसी में प्रॉब्लम आएगी। और हाँ, एक बात और याद रखना, लेन कीप असिस्ट ऑटोनोमस ड्राइविंग नहीं है, लेन कीप असिस्ट सिर्फ आपको हेल्प करता है आपकी गाड़ी को लेन में रखने के लिए। तो आ जाओ दिखा देता हूँ कि ये एक्टिवेट कैसे होता है और इसके सिंबल्स का क्या क्या कौन कौन सा मतलब है। तो अब ये है हमारा लेन कीप असिस्ट, अभी मैं ये वाले बटन को दबाऊंगा तो लेन डिपार्चर वार्निंग हो गया। यहाँ सिंबल आप देख रहे होगे, यहाँ पे ये लेन डिपार्चर वार्निंग है और ये है लेन कीप असिस्ट। तो पहला मिथ जो है, अगर आप ये सोचते हो अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ ही लेन कीप असिस्ट एक्टिवेट होता है, तो ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत है। एक्चुअली आपका लेन कीप असिस्ट कभी भी एक्टिवेट हो सकता है जब भी आपकी गाड़ी की स्पीड अबव 60 हो। तो मिनिमम स्पीड इसके लिए 60 चाहिए। जैसे अभी आप इसका सिंबल देख सकते हो, यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट की जो लेन है कार के सिंबल की, वो भी वाइट आ रही है और कार भी वाइट कलर की आ रही है। जब ये एक्चुअल में एक्टिवेट होता है तो ये ग्रीन हो जाता है। अब मैं दिखाता हूँ कैसे। मेरे सामने आप रोड देख सकते हो, रोड में दोनों तरफ मार्किंग है, तो इसकी वजह से ये एक्टिवेट हो जाएगा। मैं गाड़ी की स्पीड करता हूँ 60 के अबव, ये मेरा लेन कीप असिस्ट हो गया एक्टिवेट। आप देख सकते हो दोनों साइड की लाइंस जो है वो ग्रीन हो गई हैं और गाड़ी भी ग्रीन हो गई है, मेरी गाड़ी अपने आप ही कंट्रोल हो रही है। और यहाँ पे जो स्टीयरिंग आ रहा है उसका मतलब है कि हाँ, गाड़ी जो है प्रॉपर कंट्रोल हो रहा है। अब जैसे ही मेरी स्पीड कम हुई, आप देखो लेन कीप असिस्ट अपने आप ही बंद हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अभी कभी भी अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी गाड़ी की जो स्पीड होनी चाहिए वो मिनिमम 60 होनी चाहिए, तभी लेन कीप असिस्ट जो है वो एक्टिवेट होता है। अब मैं एक बार आपको और दूसरी कंडीशंस दिखा देता हूँ। तो अभी आप जैसे देख सकते हो, यहाँ पे मैं लेन पे चल रहा हूँ और मेरी गाड़ी क्योंकि 60 से नीचे है, इसलिए मेरा जो लेन कीप असिस्ट है वो एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा कि स्पीड बहुत मैटर करता है, अगर 60 से कम की स्पीड है लेन कीप असिस्ट जो है आपका काम नहीं करेगा। तो अब मैं यहाँ से गाड़ी आगे से लेफ्ट लूँगा और उसके बाद फिर मैं गाड़ी की स्पीड फिर से 60 करूँगा ताकि आप लोग देख सको कि हाँ, 60 के स्पीड पे ही ये वर्क करता है। मिनिमम एवरेज स्पीड जो है वो 60 होनी चाहिए इसके लिए। ये हम आ गए वापस से इस रोड पे और अब यहाँ से हम करेंगे गाड़ी की स्पीड को 60। प्रॉपर मार्किंग वाली रोड है, अनमार्क्ड रोड होगी तो भी नहीं काम करेगा, ये भी जान लीजिए। प्री रिक्विजाइट में बहुत क्लियरली मेंशन है। और एक मिनट रुक जाते हैं क्योंकि मेरे आगे गाड़ी जा रही है, उसकी स्पीड बढ़े तो ठीक है, करना क्या चाह रहा है साला। तो अब हम गाड़ी की स्पीड करने वाले हैं 60 वापस से, अंदर आपको दिखाएंगे कि लेन कीप असिस्ट इसका कैसे काम करता है। कहाँ बीच में रोका है साले। तो अब आप देखो लेन कीप असिस्ट आपका काम करेगा 60 के ऊपर, वो गाड़ी बीच में लगा दिया था उसने। ये देखिए लेन कीप असिस्ट एक्टिवेट हो गया जैसे गाड़ी की स्पीड 60 है ना अबव गई है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें और इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। अब चलिए आते हैं मार्किंग की बात करते हैं। मैं एक बार गाड़ी साइड में लगा लेता हूँ ताकि आप लोगों को सारी डिटेल्स बता सकूं। तो अब देखिए, जो आप ये मार्किंग देख रहे हो लेफ्ट में और राइट में रोड की और बीच में कार, इसका मतलब है कि जो लेफ्ट और राइट है वो प्रॉपर जो आपकी ये रोड की स्ट्रिप्स होती है उसको समझता है और बीच में जो गाड़ी है वो आपकी गाड़ी है। तो जब इसका कलर जो होता है ग्रीन, जब ये प्रॉपरली एक्टिव होता है। अब अगर इन केस मान लो इसका कलर एम्बर है, एम्बर मतलब कि मान लो कुछ इस तरह का कलर या इस तरह का कलर,
जब आपको इस तरह का कलर दिखे तो इसका मतलब है कि आपका जो लेन कीप असिस्ट है उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको अपने सर्विस सेंटर से कॉन्टैक्ट करना है। एक और चीज़ हो सकती है कि आपका रडार पे गंदगी जमी हो सकती है, आपके ये जो कैमरा यहाँ पे होता है उसके सामने भी गंदगी जमी हो सकती है, वो भी एक रीज़न होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। कभी कभी क्या होता है कि इधर की ग्रीन होगी, इधर की वाइट होगी और गाड़ी भी वाइट होगी, उसका मतलब है कि आपकी गाड़ी एक ही लेन को डिटेक्ट कर पा रही है और दूसरी लेन को डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपका लेन की पसिस जो है वो काम नहीं करेगा। तो ये भी एक आपको कंसिडर करके चलना है गाड़ी के अंदर। यहाँ पे कई बार होता है कि जैसे पीछे से कोई गाड़ी आपको ओवरटेक कर दी, तो अब जब पीछे से कोई गाड़ी ओवरटेक करेगी तो आपको यहाँ पे भी ब्लिंक करके वो दिखाएगा। मैं एक बार दिखा देता हूँ, उसके मैनुअल में होगा कहीं पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ये मेरे पास पड़ी हुई है। तो यहाँ पे देख लो, जब आपकी कोई भी गाड़ी पीछे से लेफ्ट या राइट लेन से कोई गाड़ी आपको वो करेगी, क्रॉस करेगी, तो यहाँ पे ऑडियो अलर्ट होगा एंड कोई भी व्हीकल जो क्रॉस होगी तो यहाँ पे आपके गाड़ी पे जो होगा, जो आपका लेन होगा वो रेड कलर में हो जाएगा, कि मतलब आपको मूव नहीं करना है, आपको उसी लेन में चलना है कोई भी गाड़ी अगर क्रॉस कर रही है तो। बेसिकली यही है पूरी कहानी लेन की असिस्ट की। लेन डिपार्चर वार्निंग भी इसी तरह का काम करता है कि जब आप पीछे मान लो गाड़ी आ रही है और आप एकदम से लेन को चेंज कर रहे हो तो आपको वहाँ पे स्क्रीन के अंदर एक नोटिफिकेशन देगा और ऐसे बीप सी आवाज़ भी आएगी कि भाई अभी लेन को आप चेंज मत करो क्योंकि पीछे से गाड़ी आ रही है। अब वो होता कैसे है, क्योंकि गाड़ी के अंदर पीछे भी रडार है, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाता है टाटा सफारी के अंदर। तो बेसिकली ये है मोटा मोटा लेन की असिस्ट की काम कैसे करता है। अब अगर आपको गाड़ी के बारे में और जानना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और हाँ क्वेश्चन भी पूछ सकते हो, मुझसे रिलेटेड आपको वीडियो बना के बता देंगे कि हाँ कैसे ये फंक्शन काम करता है या फीचर काम करता है। अब ये जो मैंने लेन की असिस्ट बताई, ऐसा नहीं है सिर्फ टाटा सफारी में काम करेगा, ये सेम फंक्शन हैरियर में है, सेम फंक्शन इनके नेक्सॉन में है। तो ऑलमोस्ट जो टाटा की सारी गाड़ियां सब में यही सेम फंक्शन, सेम तरीके की अलर्ट जो आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे दिखेगी वो सेम तरीके की दिखेगी। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।